कि उसने दलितों पिछड़ों अकलियतों आदिवासियों के हक की लड़ाई से समझौता नहीं किया, और उसी चारे घोटाले में जो पंडित जगन्नाथ मिश्रा ने जिसका शुरुआत किया और जो बरी थे, जो उसके आरोपी थे, और पंडित जगन्नाथ मिश्रा उसी चारे घोटाले में बरी हो गए, और सामाजिक न्याय के योद्धा, दलितों शोषितों गरीबों का योद्धा, उनकी आवाज आदरणीय लालू प्रसाद यादव को इन्होंने साजिश के तहत जेल भेज दिया। और ये जान के आप हैरान रह जाएंगे कि बार बार बेल की अर्जी लगाने के बावजूद उस आदरणीय लालू प्रसाद यादव को एक साजिश के तहत जेल रखा गया। और यहाँ हरियाणा के गुरु एक ढगोसला गुरु राम रहीम जो मर्डर है, जो रेपिस्ट है, उसको बेल पे बाहर लाने की साजिश की जा रही है ताकि फिर से चुनाव भाजपा सरकार जीत सके। साथियों, आज जो देश में साजिश चल रही है उसको समझना पड़ेगा। ये देश जिसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जिसका सपना देखा था, ये देश जिसका गांधी जी ने सपना देखा था, और उस बहुजन समाज का जिसका नींव माननीय और काशीराम ने रखा था कि एक ऐसा दिन आएगा जब इस देश के 85% लोग, चाहे वो पिछड़ा समाज के लोग हो, चाहे दलित समाज के लोग हो, अकलियत समाज के हो या आदिवासी हो, उनका राज होगा और उनका राज उनका सत्ता होगा, और जमीनी स्तर पे संविधान लागू होगा, आरक्षण लागू होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, किसानों का उनका अधिकार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा। लेकिन अफसोस हो रहा है कि वो तमाम चीजें जिसके लिए इस देश के महापुरुषों ने कुर्बानी दी थी, आज ये भगवा नागपुर के गुंडे नादुराम गोडसे के मानने वालों ने उसको बलि चढ़ा दिया है, उसका बलात्कार किया है। साथियों, 2019 में लोकसभा चुनाव के नतीजे हमारे सामने आए हैं, और आप सब को जान के हैरानी हुई, जिस चीज के खिलाफ हम लोग लगातार, जिस मनुवाद के खिलाफ हम लोग लगातार लड़ते आए, उस मनुवादी व्यवस्था से 42% लोग जिसके सांसद में आए हैं, और जिसकी आबादी 85% है, उनमें से महज 85% आबादी वाले 50% से भी नीचे हैं, और 15% आबादी वाली 42% एमपी बनके सत्ता में बैठे हुए हैं। और हमारे भाई साहब एक बात कह के गए संविधान बदलने की, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जब तक सामाजिक स्वतंत्रता हम हासिल नहीं कर लेते, कानून द्वारा दिया गया कोई भी स्वतंत्रता किसी काम का नहीं है, और ये संविधान से बेहतर दुनिया में कोई संविधान नहीं है। ऊपर मानने वाले खुदा भगवान के ऊपर डिफरेंस हो सकता है, जिसको ऊपर वाले भगवान या खुदा को मानना है माने या ना माने, लेकिन इस धरती पर रहना होगा तो संविधान को मानना होगा, और इसी संविधान को मानना होगा जिसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। और उसमें कोई छेड़खानी होगी तो सड़कों पर खून बहेगा, आंदोलन होगा, क्योंकि ये समय आ गया है कि हम सड़कों पर खून अपना खून सींचे इस सड़कों को, क्योंकि जब तक सड़कों पे आंदोलन होता रहेगा, संसद में बैठे हुए आवारा लोगों की अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता रहेगा। साथियों, पूरे लोकसभा चुनाव में मुझे बिहार के जिलों में घूमने का मौका मिला, मैं पिछड़े समाज के बीच में गया, दलित भाइयों बहनों के बीच में गया, अकलियत लोगों के बीच में गया, चुनाव के बीच में गया, चुनाव के बाद में गया, और हर किसी ने यही कहा कि इस मोदी सरकार के खिलाफ लोगों ने वोट किया है, क्योंकि ये सरकार और इस सरकार ने बेरोजगारी फैलाया, धर्म के नाम पे लोगों ने वोट बांटने का काम किया है। लेकिन जान क्या हैरानी हुई कि जब रिजल्ट आया तो फिर सत्ता इसी मोदी सरकार के पास आया। सवाल सीधा है कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, कोई भी इंजीनियर, मैं खुद बीटेक का स्टूडेंट रहा हूँ जामिया से, कोई भी इंजीनियर से पूछ लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन हो, दुनिया के किसी भी कोने से बैठे हुए सॉफ्टवेयर के माध्यम से और प्रोग्रामिंग के माध्यम से आप मिनटों के अंदर प्लानिंग कर सकते हैं। हर चौथा वोट चाहे तो भाजपा को दिला सकते हैं, हर तीसरा वोट चाहे किसी को भी पार्टी को पड़े हो भाजपा को दिला सकते हैं, और यकीनन ये इस बार यही हुआ। साथियों, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव खून खून के बिहार में कहते रह गए, उनके सभाओं में हजारों हजारों की भीड़ होती थी कि इस बार आरक्षण बढ़ा रहा है, और 85% आबादी के हिसाब से 85% आरक्षण हिस्सेदारी की उन्होंने मांग किया, लोगों ने हाथ उठा के उनके लड़ाई को समर्थन किया और वोट के रूप में उस समर्थन को दिया था, लेकिन फिर भी उनका वोट भाजपा को चला गया। साथियों, हमें जरूरत आम पड़ी है कि इस लड़ाई को हम गांव तक ले जाएं, लोगों तक ले जाएं, और जिस तरीके से लिंचिंग का कारोबार चल रहा है, जिस तरीके धर्म के नाम पर विभाजन चल रहा है, इसका सिर्फ एक मकसद है कि पिछड़े समाज के युवाओं को, दलितों समाज के युवाओं को, अकलियत और आदिवासियों को उलझा के रख दिया जाए, और शिक्षा में बजट की बढ़ावा की ना मांग करें। कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट आया कि 10% शिक्षा का जो बजट देश का बजट है उस पर शिक्षा का खर्च हो, रोजगार की बात हो, किसानों के अधिकार की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, आरक्षण के जो आरक्षण को खत्म करके प्राइवेटाइजेशन लिया जा रहा है उसको खत्म करके बल्कि आरक्षण बढ़ाने की बात हो, इन तमाम मुद्दों से हमें भटकाने की साजिश चल रही है। और इसका सिर्फ साजिश का एक ही लड़ाई है कि हम मिलजुल के एक दूसरे की लड़ाई लड़ें, जब अकलियत समाज पर हमला हो तो उसकी लड़ाई दलित और पिछड़े भाई बहन लड़े, जब पिछड़े समाज पर लड़ाई हो तो उसकी लड़ाई अकलियत और दलित मिलकर लड़े, और जब दलित समाज की लड़ाई हो तो उसकी लड़ाई
अकेलियत और पिछड़े समाज के मिलके लगे। जब तक हम लोग मिलके एकता के साथ अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक इन दरिंदों से, इन संघियों से, इन आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी लोगों से हम छुटकारा नहीं पाएंगे। ये वक्त आ चुका है कि मिलकर, इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।